हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल हर हर महादेव। तो गाइस, मैं आज आपको अपना ब्लॉग सीधे दिखा रही हूँ नाइट से, क्योंकि आज हमारे घर में है रात, मतलब रज्जगा बोलते हैं उसको मेरे यहाँ, तो यहाँ बोलते हैं रात जगाना। तो हमारे घर में आज रात जगा रहे हैं पितरों की, तो इस वजह से हमारे घर में मतलब बहुत ज़्यादा काम वगैरह हो रहा है। और यहाँ गाइस, मैं अपना किचन में लग चुकी हूँ और आज मैं बना रही हूँ कढ़ी, और कढ़ी के साथ तो चावल अभी बन नहीं रहे हैं, बन रही है रोटी, और साइड को मैंने फटाफट से कढ़ी चढ़ा दी है। और गाइस, आज बहुत ज़्यादा काम है और हम काफ़ी टाइम से इतने ज़्यादा बिज़ी हो रहे थे, बहुत ज़्यादा बिज़ी, बिल्कुल टाइम नहीं मिल पा रहा था। तो गाइस, मैंने बीच बीच में एक दिन छोड़ के, दो दिन छोड़ के कभी कभी ऐसे ब्लॉग भी अपलोड किया है, क्योंकि डेली का काम इतना फैल रहा था, बिल्कुल भी नहीं हो पा रहा था, और प्रॉपर हर चीज़ दिखाना थोड़ा मुश्किल सा हो जाता है गाइस। तो यहाँ पर मेरी कढ़ी साइड को मैंने बनने रख दी है और वहाँ साइड को तेल डाल दिया है कढ़ाई में, ताकि मैं अपने पकौड़े बना पाऊँ कढ़ी के लिए। और गाइस, कढ़ी के साथ साथ मेरे को पकौड़े बनाने थे, जो हमारे घर में आने वाली है लेडीज़ वगैरह, उनके लिए खाने के लिए बनाने हैं। और गाइस देखिए, यहाँ मैंने पालक के पकौड़े बनाए हैं, वो मैं दिखा भी नहीं पाई कैसे बनाए, पालक के पकौड़े बनाए, साइड को मैंने प्याज के पकौड़े बनाए हैं, और अभी मैं बनाने जा रही हूँ गाइस आलू के पकौड़े, क्योंकि मैं सोच रही हूँ बाहर से लाने से अच्छा है सब मैदे का खाना होता है, रात भर जगेंगे तो कम से कम ये तो खा लेंगे। और गाइस देखिए, पकौड़े, यहाँ मेरी कढ़ी बन रही, ढेर सारी कढ़ी। तो गाइस, यहाँ मेरा अपना फटाफट से अपना ये खाना बन चुका है जितना दिखाया, और ये अपना खाना खाती हूँ, बाकी सबको खाना मैंने खिला दिया है। अब फटाफट खाना खा के फिर मेरे को अपना रेडी होना है। तो गाइस, अब चलते हैं नहाने के लिए, क्योंकि हमारे घर में है पूजा, मतलब रज्जगा हो रहा है जिसको बोलते हैं यहाँ पे रात जगाना, तो वो हमारे घर में हो रहा है। अब नीचे बहुत ज़्यादा काम करके आ चुकी हूँ, थक भी गई हूँ, पर आज रात भर हमें जगना पड़ेगा, इस वजह से अभी हम नहा धो के बैठते हैं पूजा के लिए गाइस। फिर मैं आपको दिखाती हूँ यहाँ पे कैसे कैसे होता है गाइस, फिर मिलते हैं। तो गाइज़, यहाँ पे सारे के सारे भजन गाना शुरू कर दिया था, और यहाँ पे बोलते हैं जब रात जगाते हैं तो मेहंदी भी लगाते हैं, मैंने एक हाथ में अपने मेहंदी लगा ली थी और यहाँ पे ये मासी है मेहंदी लगा रही थी। भी भज लो रे सयो सत्यनारायण, थे भी भज लो रे सयो सत्यनारायण, काई खावे लक्ष्मण, काई खावे राम जी, काई खावे लक्ष्मण, काई खावे राम जी, और काई खावे सयो सत। तो गाइज, नाइट का आपको मैं दिखा चुकी हूँ, और पूजा पाठ का मैंने आपको लोगों को ज़्यादा दिखाया नहीं था, क्योंकि थोड़ा होता है ना, घर वाले बोलते कि ज़्यादा चीज़ें रिकॉर्ड नहीं करनी चाहिए ये सो करके, तो फिर मैंने कहा ठीक है, फिर मैंने नहीं किया। और ये नेक्स्ट डे का था, पूजा वगैरह करने के बाद गाइज हम लोग जा रहे थे गौशाला।
अमावस का दिन था, इस वजह से हम लोगों ने पूजा पाठ वगैरह करी। उसके बाद हमको गौशाला जाना था गाय को चारा खिलाने के लिए, तो मैंने अपने हस्बैंड को बोला फटाफट से निकलते हैं गाय के लिए चारा खिलाने के लिए। और बहुत ज़्यादा गर्मी भी हो रही थी गाइस, बहुत ज़्यादा गर्म होने लग गया है यहाँ पर, तो आप लोग के यहाँ कैसा मौसम हो रहा है। उसके बाद गाइस हम लोग पहुँच गए गौशाला, और गाइस हम लोग थोड़ा लेट ही पहुँचे तो गाय का तो पेट ही भर जाता है, क्योंकि सारे लोग मावस के टाइम पे ज़्यादातर लोग आते ही हैं चारा खिलाने के लिए। तो गाइस ये लड्डू नहीं खा रही थी, सारी की सारी गाजर खा रही थी। थोड़ा आगे बढ़े और हमें दिखा ये छोटा सा बछड़ा, तो मैं इसके पास रुक गया, इसको लड्डू खिलाने की कोशिश करी, वैसे लड्डू भी नहीं खाया जा रहा था, बस गाजर खाने का इसका मन कर रहा था। तो छोटा सा था, बिल्कुल गाजर से चबाई भी नहीं जा रही थी, तो मैंने जैसे लड्डू खिलाती हूँ, बट लड्डू भी इसे ढंग से नहीं खाया जा रहा था। तो फिर मैंने थोड़ा लड्डू को सोचा तोड़ के दूँ, फिर हल्का फुल्का मैंने इसको तोड़ा ताकि ये खा पाए, बट ये बस इसको सिर्फ ऐसे ही होता कि ये खा लूँ वो खा लूँ, बट कुछ नहीं खा पा रहा था गाइस। और गाइस ये बहुत ज़्यादा क्यूट था, बहुत ज़्यादा। और फिर मैंने बिल्कुल लाइन में गाय थी, मैंने सबको थोड़े थोड़े सी गाजर खिलाई, और ये छोटे छोटे बच्चे तो अच्छे से खा रहे थे, जो थोड़े बड़े थे जो खा पा रहे थे, और सबको मैंने गाजर खिलाई और हम लोग पहुंचे थे दिन में, और दिन में तो ये खा पी कर बैठ जाती हैं, फिर भी ये बैठी हुई गाय, उनको मैं खिला रही थी गाय को, तो एक गाय थी बेचारी उठकर खाने भी लग गई, दूसरी तो ऐसे आराम फरमा रही थी कि बस मुझे बैठे बैठे खिलाए जाओ, तो मैंने यहाँ पे खिला दिया था उसको भी। और यहाँ पे मैं सारी गायों को चारा डाल दिया, और यहाँ मेरे हस्बैंड से फिर इसके पास आ गए और इसको फिर खिलाने लग गए। तो गाइस मुझे बहुत अच्छा लगा इनको खिला पिलाकर, बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। तो गाइस आज का ब्लॉग यहीं समाप्त, गुड नाइट, टेक केयर।